तो हम बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग। देख, कुछ भी नंबर आप टाइप करते हैं तो उस नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए वो डिसाइड होता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग से। जैसे ये जनरल, जैसा आपने टाइप किया वैसा होगा नंबर। नंबर में क्या होगा कि आप यहाँ पे जो है डेसिमल प्लेसेज और यहाँ पे आपके जो नेगेटिव्स में क्या आना चाहिए वो थाउजेंड सेपरेटेड यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। करेंसी में आप अपना करेंसी का कोड या करेंसी का सैम्बल आप यूज कर सकते हैं। आप बोले कोड और सैम्बल अलग होता है? जी हाँ, जैसे कि अभी सैम्बल हमारा ये रुपीज का सैम्बल सामने दिख रहा है, लेकिन रुपीज का करेंसी कोड INR है। तो कई कई केसेस में INR होता है, केसेस में रुपीज सिंबल होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट वो यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ अपना सिंबल दे सकते हैं और कुछ नहीं। डेट में अपना डेट की फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, अगर डेट आपने टाइप किया हुआ है, और यहाँ अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग फॉर्मेट है सर। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है क्योंकि तो मेरा जो सिस्टम है ना उसमें रीजनल सेटिंग हमारा इंडिया कर रखे है, लेकिन जनरली आपके ऑफिस में US होता है तो US के अकॉर्डिंग है। टाइम की बात करें तो टाइम की फॉर्मेटिंग है, लेकिन टाइम की फॉर्मेटिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 35, 20, 45 हमने लिखा हुआ है। अब गलती से ये हो गया जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट हो गया गलती से। अब इसके ऊपर हम पेस्ट इसमें फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हम यहाँ टाइम पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आपने कोई फॉर्मेट चूज किया, आपने ऐसे फॉर्मेट चूज कर लिया तो आपको यहां दिख रहा होगा, यहां पे 11:25 दिख रहा है, राइट? मतलब कि आप कोई भी फॉर्मेट चूज कीजिएगा तो 24 आवर से ऊपर का फॉर्मेट जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए आप यहां कर सकते हैं, होती इंग्लिश US सिलेक्ट करना होगा आपको। इसकी इंग्लिश यूएस सिलेक्ट करेंगे तो एक फॉर्मेट आएगा 37:30:55, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तब जाके आपका ओरिजिनल फॉर्मेट दिखेगा। उसी तरह से मैं 2.5 दिया, अब इस 2.5 को मैं यहां पे फ्रैक्शन, यहां आपको फ्रैक्शन दे रहा है, तो फ्रैक्शंस में यहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा तो ये आपका इस तरह से दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और आती है, वो आती है टेक्स्ट की। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेक नंबर लिखा। अब चेक नंबर में जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, लेकिन कभी कभी 6 डिजिट का नहीं होता है तो हमें 0 लगाना होता है। बट 0 लगा के जैसे एंटर मारते हैं वो डिजिट जो है आपका एक्सेप्ट ही नहीं करता। सॉरी, उस केस में हम सिंगल कोट लगाते हैं जो 0, और फिर हम यहाँ पे एक सॉरी नंबर देते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो चेक नंबर है वो टेक्स्ट में बन जाता है। अब पूरे कॉलम में चेक नंबर लिखना ही है तो बार बार आपको सिंगल कोट लगाना पड़े, उससे बेटर है कि इसको सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करने के बाद इसको टेक्स्ट कर दे। टेक्स्ट कर दिया, अब मैं यहां पे इक्वल सम का फॉर्मूला लगा के इसको सिलेक्ट करूंगा। तो आप देखेंगे आपके सामने कि फॉर्मूला लगा पर फॉर्मूला परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि आप जो भी नंबर इसमें डालेंगे ऑटोमेटिकली तो टेक्स्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि अगर किसी ने आपको चेक नंबर पहले से लिख के भेज दिया, अब वो चेक नंबर में उसने 0 नहीं लगाया तो क्या होगा? तो आपको 0 लगाना है। अब 0 लगाना क्यों है इस पे डिपेंड करता है। देखिए दो चीजें हैं कि मुझे प्रिंटिंग पर्पज से चाहिए एनेक्सर प्रिंट करने के लिए। अब एनेक्सर प्रिंट करने का मतलब क्या हुआ,
मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां हैं बड़े बड़े कंपनियां जिनके पास डेली बेसिस में 1200 1000 1200 2000 5000 चेक कलेक्ट होते हैं, तो हम लोग तो के पास एक या दो चेक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर स्लिप भर के और बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन कंपनी के पास तो सर 1200 1500 स्लिप फिल करना तो पॉसिबल नहीं ना होगा, क्या बोले सरपंच जी? तो वो लोग क्या करते हैं, जो चेक जो फॉर्म में हम फिल करते हैं पूरी की पूरा का पूरा एक डेटा एक्सेल पे तैयार करके उसकी प्रिंट आउट लेके चेक के साथ रैप करके भेजते हैं, समझे? तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह का होगा, क्योंकि वो बैंक वाले का नहीं 6 डिजिट पूरा कीजिए समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज हो सकती है, बैंक वाले के तो अलग से नखरे होते हैं ना, इसलिए तो हम इसके लिए कस्टम में जाते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव टाइम 0 दे देते हैं, समझ गए? अब 0 का मतलब क्या, मतलब ऐसा हुआ क्या? देखिए इसने जस्ट विजुअल बताया है, 0 0 1 2 5, क्या बताया? विजुअल 0 0 1 2 5 इसने विजुअल दिया, ओरिजिनल नहीं। अगर किसी ने सिंगल कोट के साथ 0 0 1 2 5 टाइप कर दिया, ये तो 5 डिजिट है ना, एक मिनट एक और 0 बढ़ा देता हूँ कस्टम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब यहाँ पे 6 टाइम डिजिट है, दोनों देखने में बराबर लग रहा है। लेकिन जब दोनों पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों को ये देखिए आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स हुआ। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्चुअली में 1 2 3 5 है, बट ये एक्चुअली में 0 0 1 2 5। तो आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे एक्चुअल में नंबर चाहिए ताकि मैं वी लुकअप लगा सकूं, मैच लगा सकूं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट का फॉर्मूला। और टेक्स्ट के फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में हम वही कोड डालते हैं जो कोड हम कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं। अब दोनों आपस में बराबर। तो कस्टम फॉर्मेटिंग की चीजें अगर आपको रियल में चाहिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं टेक्स्ट का, समझिए, समझ में आ रहा है आपको? श्रवण जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक लग रहा है। हेलो, सर चलिए चलिए बात करिए, ठीक है? जा रही सर आप। तो एक कष्ट ये आपको समझ में आ गया टेक्स्ट फॉर्मूला। अब हाँ, राइट सर। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर हम लिखना चाहते हैं और मोबाइल नंबर में +91 देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये +91 डालते हैं ये आपका फॉर्मूला लग जाता है, क्योंकि प्लस से फॉर्मूला शुरू होता है। तो उस केस में हम सेलेक्ट करेंगे और कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ जनरल के जगह पे +91, उसके बाद एक एक दो जीरो या एक दो हैश आप दे दीजिए, एन ओ कर दीजिए। अब मैं यहां पे जैसे ही नंबर लिखूंगा ये आपका +91 अपने आप आएगा। अगर से मान लीजिए कोई आईडी है मेरे पास और मैं चाहता हूं कि हर 3 डिजिट के बाद डैश लग जाए, तो यहां आप दे सकते हैं हैश या 0 डैश, फिर हैश 3 हैश 3 हैश, फिर डैश और फिर 3 हैश। तो मैं नंबर टाइप, अब जो है मैं नंबर टाइप तो सिक्वेंसली करूंगा, पर हर 3 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 3 डैश लगा देगा। अब सिर्फ डैश ही लगा सकते हैं या इसके अंदर हम मान लीजिए कुछ टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो मैं क्रेडिट कार्ड टाइप हम टाइप करने का ये होता है इस तरह से, और यहाँ पे एक्स 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 फिर एक्स 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 और फिर इस तरह के, आपने देखा होगा आपके स्टेटमेंट में आता होगा। तो मैं टाइप तो 8 डिजिट ही करूं, बट इस तरह का सिंबल दे दे कैसे होगा? आप हैश दे सकते हैं या एक्स दे सकते हैं, मैं चाहता हूं इसके अंदर एक्स हो जाए, हैश नाउ एक्स हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कटा हुआ, तो यहां पे आते हैं कस्टम में जाते हैं, और कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पे
वन टू थ्री फोर जीरो और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि तो एक्स जो है टेक्स्ट है, हैज बीन कुछ भी देना आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना होगा, और फिर यहां पे हम चार जीरो दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे आठ डिजिट ही लिखूंगा, जैसे कि 852 चार डिजिट हुआ और 6398 ये आपका चार डिजिट हुआ, बीच में एक्स अपने आप लग जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कहीं पे मैंने हैश लगाया, कहीं पे हमने जीरो लगाया, फंडा क्या है? देखिए होता क्या है कि मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा 1500, अब इस 1500 जो हमने अमाउंट लिखा है, इस अमाउंट को मुझे शो करना है एम आर पी 1500, MRP 1500, बट प्रॉब्लम है कि मैनुअली हमने लिखने पे इसके ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, सो मैं चाहता हूं अमाउंट तो रहे 1500 लेकिन सो हो MRP 1500 ताकि हम कैलकुलेशन भी कर सके और स्केजुअल भी कर सके। हाँ क्लास नहीं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी दे दिया, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। अब इसके आगे मैं जीरो या हैश ना लगाऊं तो आपको जस्ट एमआरपी शो करेगा, आपका नंबर शो नहीं होगा। आपका नंबर शो करना है तो आप क्या लिखेंगे, जीरो या हैश। तो जीरो हैश सिंगल लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं दो बार जीरो दे दिया तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइव दूंगा तो यहाँ पे जीरो फाइव आएगा, लेकिन दो बार हैश दूंगा तो जीरो फाइव नहीं आएगा, आपको हैश ही आएगा। दो बार दीजिए चाहे दस बार दीजिए, वो आपका जो टाइप करेंगे वही शो करेगा। और एक दिख रहा है एमआरपी 1500 या 5, लेकिन इसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 1500 ही है। अब एमआरपी को मैंने पहले लगाया है, अगर मान लीजिए मुझे बाद में लगाना हो तो हैश के बाद यहां लिखेंगे, तो हैश या जीरो से पहले प्रीफिक्स होगा और उसके बाद में सफिक्स होगा, समझ गए सर? उसी तरह से यहाँ पे अमाउंट हमने लिखा और इस अमाउंट में 1000 सेपरेटर यहाँ से आप लगा सकते हैं, लेकिन 1000 सेपरेटर के लिए आप यहाँ भी कस्टम में भी कोड दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया हैश कॉमा और तीन बार हैश, ये आपका 1000 सेपरेटर लग गया यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने जस्ट हैश कॉमा करके छोड़ दिया तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 1500 का 15 हो गया, मतलब कि अमाउंट इन 1000 में हो गया, अमाउंट इन 1000 में, और मैंने यहाँ पे के लगा दिया तो 15 के आ गया। अगर नंबर काफी बड़ा है, मिलियंस में चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें कोड होता है, होता है कस्टम यहाँ पे 0.00 और यहाँ पे डबल कॉमा, और 256 मिलियन एंड 256.32 मिलियन, ये देखिए सब यूएस फॉर्मेट में होता है। अब इसमें आगे बढ़ते, अब इसमें आगे हमारे पास जो आता है वो आता है, अभी हमने जो नंबर के लिए जीओ या हैश यूज की, अब यहाँ करेक्टर के लिए भी है, जैसे कि मैंने अगर पूजा लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपकी आईपीटी, मान लीजिए कि आईपीटी लिखा हुआ है तो m/s होता है ना, वो आईटी लिखा हुआ है, तो कस्टम में जाके इन्वर्टेड कॉमा में m/s जो हम देना है डाल दीजिए और यहाँ पे एट द रेट कर दीजिए। तो एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट कोड के लिए होता है, टेक्स्ट को शो करने के लिए होता है, नहीं डालिएगा तो टेक्स्ट आपका शो नहीं करेगा। देखिए तो टेक्स्ट शो करा है, जैसे मान लिया एड्रेस है तो सबका एड्रेस सेम ही होता है, तो मैं चाहता हूँ लास्ट के जो है अपने आप आ जाए, लेकिन सर विजुअल होगा, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एट द रेट और फिर यहाँ पे देता हूँ F 21
नहीं सर यस नहीं, आप एक कर देता हूँ, न्यू दिल्ली हेलो यहाँ पर डालिए F2 210, आ गया अपने आप। सेम डेट का भी होता है, आप डेट डाला हुआ, हालांकि डेट का फॉर्मेटिंग तो बहुत सारा यहाँ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कस्टम में जाके DDMMY, डी जो होता है डेट होता है, मंथ जो होता है एम होता है मंथ, वाई होता है ईयर। अब देखिए मेरे 2 DD दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 1 2 के फॉर्मेट में आता है, 2 mm 0 1 2 फॉर्मेट में। अगर मैंने यहाँ पे 3 DD दे दिया तो ये आपका संडे मंडे आएगा। ऐसे 3 mm कर देते हो तो जैन फैब में आएगा। और डैश के जगह पे स्पेस दीजिए, कॉमा दीजिए, स्लैश दीजिए, जो देना है दे सकते हैं आप। और 4 बार DD कर देते हैं तो सैटरडे संडे आएगा, और एम 4 बार M कर देते हैं तो आपका जनवरी फरवरी पूरा लिखा हुआ आता है। ठीक है सर, ठीक है। अपने हिसाब से DD को पहले लिखे, MM को बाद में लिखे, जिस सीक्वेंस में जो सेपरेटर देना दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में एक और चीज है कि मैं यहाँ पे टाइम डालता हूं, तो टाइम फॉर्मेट दिख रहा है, तो टाइम के लिए भी यहां पे होता है HH MM SS। इसको भी आप आवर मिनट सेकेंड के फॉर्मेट में जैसे डालना तैसे डाल दीजिए, और यहां AM/PM कर सकते हैं, ये आपका AM PM आ जाएगा। राइट सर, लेकिन टाइम में ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पे 45 घंटे 20 मिनट हमने डाला हुआ है, तो जैसे कि आपने इसको जनरल फॉर्मेट में कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, 1.88 आएगा। तो मैंने बताया कि 35-30 वाला आप टाइम में जाके देख सकते हो, यहाँ से आपको कंट्री चेंज करना होगा, उससे बेटर है कि आप कस्टम पे चले जाइए। अब कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे टाइम और डेट में सर एक प्रॉब्लम ये आती है कभी भी, जैसे कई बार डेटा में ना भाई, जैसे टाइम लिखा हुआ है, 2 डेट है, दो डेट के बीच में मतलब कितना डेज हो गया, या डेट और टाइम लिखा हुआ है तो कितने घंटे हो गए, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो। कई बार ना वो मतलब कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती, जैसे अभी कोई सिंपल। सिंपल अच्छा है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट की दिया जाएगा रिजल्ट। अच्छा नहीं उसमें निकलता नहीं रे, कई बार जैसे हमें घंटे निकालने होते हैं कि भाई नहीं 20 निकलेगा, मिनट अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो नहीं लिखेगा, तो आप देख लीजिए आपका फॉर्मेट कौन सा है। डेट एंड टाइम का सिंपल फंडा है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, ठीक है ना, और कोई खास नहीं है। और यहाँ अच्छा की डेट एंड टाइम की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे आप देखेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। मैंने बड़ी ब्रैकेट में डाला ना, तो यहाँ पे देखिए टाइम आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में एच कर दीजिए, फिर MM, और फिर यहाँ पे SS कर दीजिए, आपका टाइम आ गया। आप यहाँ पे चीज हो रहा है कि मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में जाके आप इसको बड़ी ब्रैकेट में M कर दीजिए, ये आपका टाइम इन मिनट आ जाएगा। एस कर दीजिए तो टाइमिंग सेकेंड आ जाएगा, समझे। और जैसे आप बोल रहे थे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, तो इसका ध्यान मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे सुबह आपने 10 बजे ऑफिस गए, शाम को 8 बजे आप ऑफिस से वापस आए, कितना घंटा काम किए। अब दोनों टाइम जो है सेम डेट का है, तो क्या कीजिएगा, 10 माइनस कर दीजिएगा, आ गया सर। हमने किसे माइनस किया, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, हमने किया लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट। लेकिन मान लीजिए कि मैं 2 बजे गया और रात के 3 बजे वापस गया, अब ए माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेट चेंज हो गया। तब आपको क्या करना होगा कि अपने डेट को कुछ इस तरह से लिखना होगा कि आज 15 है, तो यहाँ पे 15/15/5, उसके 14 बजे ऑफिस में गए, और फिर यहाँ पे 16/5, और टाइम अपने हिसाब से लिखे। डेट का फॉर्मेटिंग मेरा क्या है, DDMM है, इसे डेट ए मंथ लिखते हैं। आपका अगर MMDD हुआ तो मंथ डे लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखेंगे,
देन आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह का रिजल्ट आया तो जाहिर सी बात है कि इसको हमने अपना टाइम का फॉर्मेट कर देना है, टाइम हमारे पास आ जाएगा। समझे? क्योंकि इसमें कई बार ना होती है प्रॉब्लम कि वो डेटा में कुछ उसकी फॉर्मेटिंग भी कर लो ना कि भाई डेट को मतलब डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो भी क्योंकि फॉर्मेट चेंज करने से कुछ नहीं होता है। फॉर्म याद रखो, कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता, आपने फॉर्मेट क्या कर रखा उससे कोई फर्क नहीं है, बस ये देखता है कि वो नंबर फॉर्मेट में है या नहीं है, मतलब कि टेक्स्ट को नहीं है। अगर अगर आपने टाइम को किस तरह से लिख दिया सिंगल कोट लगा के तो टेक्स्ट हो गया ना, इसकी कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसको आपको टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर करना पड़ेगा। उसके अलावा वो MMDD है, DDMM है, HH है, MM है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। हालांकि आपकी जो फॉर्मूले की क्लास चलेगी उसमें हमारे पास डेट एंड टाइम इतने सारे फॉर्मूले हैं आपके डेट एंड टाइम के लिए, तो सारे आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा क्या लगेगा फॉर्मूला उसमें। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट मतलब सिंपल होती सिंपल है, हमें भी पता है कि भाई वो हाँ ओल्ड में मतलब लेटेस्ट में से ओल्ड माइनस होता है, बट कई बार हो जाता है कि वो कुछ मतलब डेटा प्रॉपर्टी चेंज होता है ना, डेटा प्रॉपर्टी चेंज होता है, ये तो बोल रहा हूँ ना कि आप मुझे दिखाएंगे तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक प्रॉब्लम था बताया कि भाई अलग अलग डेट है तो नहीं होगा, तो उसको तो आपने कर बता दिया मैंने। इसी तरह से और भी चीजें हैं जो कि बताएंगे। ठीक है, क्लियर सर, आगे बढ़े। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ, आप नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। देखिए अभी तक जैसे मैं फॉर्मेट किया और नंबर की फॉर्मेटिंग दी तो ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग में सिखाया कल आपको, तो आपने फॉर्मेट कर दिया तो फॉर्मेटिंग और नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि नंबर क्या है और फॉर्मेटिंग क्या है, ऐसे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग विद कंडीशन, मतलब कि हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो हाईलाइट मेंटेन रहे। जैसे मैं यहाँ पे जनवरी का सेल हमारा है और मैं चाहता हूँ कि जो भी 50 से ऊपर सेल किया है वो हाईलाइट हो जाए, या फरवरी में जो 50 से ऊपर सेल किया वो हाईलाइट हो जाए। तो हमने इसमें कर्सर रखा क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है, हाईलाइट में चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, आप वो नंबर यहाँ पे टाइप करें, यहाँ देखिए डिफॉल्ट कलर हो गया, पर डिफॉल्ट कलर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम आते हैं कस्टम फॉर्मेट। उसके अलावा और भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे ले सकते हैं डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, लेकिन खुद की फॉर्मेटिंग के लिए आपको जानना होगा कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आपके पास फिल है कि आप यहाँ से अपना कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ से जो भी कलर चूज करना है आप चूज कर लीजिए, देन ओके। ये देखिए आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। अब फॉर्मेटिंग हुई नहीं है, ये मेंटेन भी होगा, जैसे कि अब 73 है, कल के डेट में अगर 37 होगा तो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, और मान लीजिए 18 जो है 81 हो गया तो अगेन फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, किसी नंबर से बड़ा, किसी से छोटा, किसी आपके दो नंबर के बीच की। अब इन तीनों पे आप सिर्फ नंबर, डेट और टाइम अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन पूजा अप्लाई करें तो होगा, हाँ डेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ग्रेटर देन 10th मई, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिया और यहाँ पे मैंने 10th/MAY मई लिख दिया, तो कलर आ गई और अपनी फॉर्मेटिंग तो हम चूज कर सकते हैं, सब में सेम होता है। लेकिन एग्जैक्ट सेल वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं यहाँ आपके इक्वल टू, इक्वल टू में कुछ भी डाल सकते हैं सेल वैल्यू। जैसे मैंने डाल दिया पूजा, इसे पूजा को हाईलाइट कर दिया, या मैंने इसमें डाल दिया वन पर्टिकुलर नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू, हमने नंबर दे दिया 31, तो आपका 31 हाईलाइट हो गया। या फिर कोई पर्टिकुलर डेट की मैंने सेलेक्ट कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट इक्वल टू 05/मई, एक कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है यहाँ इक्वल टू में कि पूजा है, यहाँ पे पूजा है और यहाँ पे पूजा सिंह,
पूजा पूजा सिंह बोथ आर द सेम पर्सन, लेकिन जैसे मैं इक्वल टू में जाऊंगा और पूजा को हाईलाइट करूंगा तो पूजा सिंह नहीं होगा, और पूजा सिंह करूंगा तो पूजा नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाता हूं और यहाँ पे डालता हूं पूजा। देखिए पूजा और पूजा सिंह बोथ आर द हाईलाइटेड हो गया क्योंकि ये कंट्रोल एफ लेके चलता है, ठीक है सर। उसके अलावा डेट ऑफरिंग, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको पूरे डेट को सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे हमने इक्वल टू आज का डेट बचा तो आज का डेट हाईलाइट हो जाए, तो आज की डेट हमारी है 15 मई, तो 15 मई ये हाईलाइट हो गया। लेकिन 15 मई फिक्स हो गया ना, कल 16 होगी तो कल 16 थोड़ी हाईलाइट करेगा, क्या बोल रहे हैं सर? कल 16 थोड़ी हाईलाइट करेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे यूज करते हैं ये डेट ऑफरिंग। डेट ऑफरिंग में आप यहां लगा सकते हैं कि टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ठीक है समझे। और सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा, अगर टुडे कर दिया तो आज 5 है, कल खुल 15 है, तो कल 16 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक डुप्लीकेट वैल्यू आपको हाईलाइट करने के लिए है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर डुप्लीकेट है तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, जो नंबर डुप्लीकेट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और फीचर जैसे कि ग्रेटर देयर, लेस देयर, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, डेट ऑफरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन अलावा जो वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये मोर रूल्स में चीजें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है, सारा दिख रहा है सर? अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू मैंने 50 कर दिया, 50 के अलावा सबको हाईलाइट करेगा, यहाँ से फॉर्मेट चूज कर लीजिए, फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए, सिंपल। ओके, 50 अगर होगा तो 50 को हाईलाइट नहीं करेगा। अब इसमें बारी आती है अगले इसकी टॉप बॉटम रूल्स। जैसे मुझे इसमें से टॉप 10 चाहिए तो मैंने यहाँ पे टॉप 10 सेलेक्ट कर लिया, या टॉप 15 कर सकते हो, या टॉप 100 कर सकते हो, ऐसे नंबर जो हाईएस्ट होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने बॉटम 10 है तो बॉटम 10 भी आपके साथ हाईलाइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पे अबव एवरेज, जो सिलेक्टेड एरिया इसका एवरेज देखिए है 44, तो जो 44 से ऊपर होगा ना अबव एवरेज में वो हाईलाइट कर देगा, और जो 44 से नीचे होगा बिलो एवरेज में हाईलाइट कर देगा, और एवरेज को मेंटेन भी रखेगा। कल के डेट में डेटा चेंज होता है तो एवरेज चेंज होगा, तो दोनों मेंटेन भी रखेगा। डेटा बार एक बार बनाकर आपको देगा जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये डेटा कितना किस पोजिशन को एग्जिस्ट करता है अपने इस क्योंकि इस पे बड़े इसी कंपेयरिंग के लिए कोई चार्ट वगैरह लगा ले सकते हैं, फिर निकालना पड़ेगा तो यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कलर स्केल, तो जो डेटा है इस पे वो कलर शीट आपको बनाकर देता है, देखिए कलर शीट जिसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ इसी कर दिया तो ग्रीन है मतलब हाईएस्ट है, रेड लोएस्ट है, येलो जितना है मतलब मिडल है, और क्लियर समझाना है तो आइकन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लोअर अपर मिडल, ये आपको अलग अलग आइकन है, ये आइकन का यूज आप आराम से कर सकते हैं, ओके सर। अब मान लीजिए कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है उसको एडिट करना है तो आप जाइएगा मैनेज रूल में, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और एडिट कर सकते हो। एक सेल में आप एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहां से क्लियर रूल्स, ठीक है, या एंटायर रूल्स, एंटायर शीट का क्लियर कर सकते हैं। आप कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं इन सबों का जो एवरेज है वो एवरेज 50 से ऊपर अगर जाता है तो पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर दे, ठीक है, ओके।
तो जब भी हम अपनी कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाते हैं तो एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं, ना कि पूरी एरिया को, ठीक है। अच्छा ठीक है, न्यू रूल्स पर जाते हैं और यहां आपके सामने आता है यूज फॉर्मूला। यूज अच्छा फॉर्मूला में आते हैं और यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। स्पेलिंग सही है सर एवरेज की? नहीं, मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक। सही तो एवरेज, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेलिंग भूल जाता हूँ सर, बचपन से आदत है। न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने इक्वल दिया और ये एवरेज में हमने सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके O2। तो B2 से लेके O2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुझे बी और ओ को फ्रीज करना होगा ताकि जब इसको ड्रैग करें, क्योंकि तो सिंगल सेल पे लगा रहे हैं ना, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट करके फॉर्मेट करना होगा ना हमें, तो हमारा जो है, और नीचे जब करें तो 2 3 4 5 हो जाए, लेकिन साइड में करें तो बी और ओ फिक्स रहे, इसलिए डॉलर लगा दिया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 हमने कर दिया। फॉर्मेट प्रिंटर में हमने यहाँ पे ले लिया एंड ओके एंड देन ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से इन सब को मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखिए रोग सब हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गलत तो नहीं है। ये आपका नहीं, एक मिनट, गलत हो गया है सर, क्योंकि हमने ओ तक ले लिया ना, ओ तो टोटल है ना, हमें एन तक लेना चाहिए था, जिसको डबल क्लिक करके हम ओ को एन कर देते हैं। अब एक में करेंगे, बाकी सब अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है सर। देखो एन टू ये भी नहीं हुआ, एक मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा से करता हूँ। न्यूरोस, यूज फॉर्मूला, इक्वल एवरेज, एवरेज ब्रैकेट ओपन, बी टू नहीं C2। अच्छा इसलिए नहीं हुआ था, डेट वाला ले रहे थे आप। डेट वाला भी ले लिया था उसने, थोड़ा तो बुढ़ापा आ गया सर। अब हो जाएगा सब कुछ, हो गया ना सर। चलिए, तो यहां हमारा आज क्लास होता है खत्म, ठीक है।